नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती गढ़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जल्दी प्रेग्नेंट कैसे, जल्दी प्रेगनेंसी कंस्यूम हो सकती है और कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जिसमें प्रेगनेंसी कंस्यूम नहीं हो पाती है, उसके कारण क्या होते हैं और कौन सा सही समय होगा जब रिलेशन बनाना चाहिए। इन सब विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि किस तरीके से आपका मासिक चक्र होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो कितने दिनों का होता है। नॉर्मली 28 से 30 दिनों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र होता है, कि आपका जो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स होता है, पहला महीना जब आपका, जिस महीने आपको रजोधर्म या फिर पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स का पहला दिन से काउंट किया जाता है, लास्ट पीरियड्स जब आपको आने वाले हैं उसके फर्स्ट डे तक, ये 28 से 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो इसमें जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, कि अंडो उत्सर्ग, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो ओवरी से एक एग हर मंथ रिलीज होता है, तो वो कौन सा दिन हो सकता है जिस दिन, मतलब कि एग रिलीज होता है उस दिन अगर आप रिलेशन बनाते हो, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका वो सही समय क्या होगा? तो मिड, जो साइकिल का मिड डे, मतलब कि जो बीच का दिन होता है, बीच के दिन, जैसे कि आपकी साइकिल 28 से 30 दिन की है, तो 14वां दिन आपका ओवुलेशन साइकिल, मतलब कि ओवुलेशन का डे हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो 11वें दिन से लेके 18वें दिन तक आप रिलेशन बना सकते हैं, जिससे चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से कंस्यूम होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना, जो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो ये जो डेज है ये आपको निकाल लेने हैं अपने। पर बात करेंगे ऐसी महिलाओं का कि जिनका रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं, इरेगुलर रहते हैं, जो टाइम है वो आगे पीछे बढ़ते रहता है। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट पीरियड आपका आया है उसका फर्स्ट डे एक कैलेंडर में नोट कर लीजिए कि इस तारीख को आपका फर्स्ट डे आया, मतलब कि फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट डे है, वहां से लेके नेक्स्ट पीरियड के फर्स्ट डे तक आपको देखना है कि कितने दिन हो रहे हैं। ऐसे ही थ्री मंथ का आपको निकाल के एवरेज करना है, उसका जो मिडिल, मतलब कि जो बीच के जो डेज होंगे, उन्हीं डेज में आपकी संभावना रहती है कि ओवुलेशन की प्रोसेस जो है वहां पे होगी, और उस दौरान रिलेशन होते हैं या इंटरकॉर्स होता है, तो वहां पर चांसेस है कि प्रेगनेंसी आपको कंस्यूम हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि कौन सा आपका ओवुलेशन का डे हो सकता है। और यहाँ पर ओवुलेशन चेक करने के लिए किट भी आती है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। उस किट के द्वारा आपको पता चल सकता है कि ओवुलेशन का डे है या नहीं है, वो किट से आप चेक करके आप पता कर सकते हो कि क्या आपका ओवुलेशन का डे है। अगर है तो आप उस दौरान रिलेशन बनाएंगे, तो बहुत जल्दी चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिससे आपको पता चल सकता है कि शायद ओवुलेशन का डे हो सकता है। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, जो थोड़ा क्लीन या फिर चार्ज हो सकता है, और यहाँ पर क्या, थोड़ा बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है ओवुलेशन के प्रोसेस के दौरान। तो ये कुछ बातें हैं जो आप याद रख सकते हो या थोड़ा सा फोकस करके नोट कर सकते हो कि अच्छा, इस तरीके से हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो शायद ओवुलेशन के डे हो सकते हैं। उस दौरान अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो भी यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद कौन कौन सी ऐसे कंडीशन हो सकती है जिनके साथ प्रेग्नेंट होने में थोड़ी समस्या आती है, जैसे कि PCOS के साथ गर्भावस्था में क्या होता है, यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीरियड्स पूरे समय इरेगुलर रहते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंस्यूम होने में प्रॉब्लम होती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं एज डिफेक्ट करती है, अगर आपकी एज 35 ईयर्स से अधिक है तो यहाँ पर प्रेगनेंसी कंस्यूम होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हो तो अर्ली 30s में आपको कर लेना चाहिए, या 35 से पहले ही आपको फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए, बाद में कुछ समस्याएं आती है प्रेगनेंसी को लेकर। ओके, करते हैं BMI के बारे में, अगर आपका जो
हाइट के अनुसार वेट अगर ज़्यादा है, ओबेज है, ओवरवेट है, तो भी यहाँ पर क्या होता है, हाई रिस्क में आता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी समस्याएं होती है। अगर आपकी बीएमआई 18 से लेकर 23 के बीच में है तो नॉर्मल है, अगर 23 से ऊपर है तो इसका मतलब होता है कि आप ओबेज या ओवरवेट में आती है, जिसके कारण वो समस्याएँ देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के दौरान। ओके, अगर गर्भपात हुआ है आपका तो उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में क्या मतलब कितना समय लग सकता है, तो भी आपको अगर आपका गर्भपात हुआ है, एबॉर्शन हुआ है, तो आपको कम से कम 3 महीने का समय लेना चाहिए कि जो आपकी बॉडी में जो भी हीलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए।